Hello students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are healthy and safe at your home. So students, as you know, कल हमने map series start करी थी. So today we also continue the map series. Okay? So आपको मैंने ये बताया था कि जब map का question आएगा तो आप location को map में fill करेंगे, but question के साथ में आप उसका answer भी लिखेंगे. Highest urbanization. इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है? सो दैट इज गोवा. हियर इज द गोवा. यू विल लोकेट हियर द गोवा एंड राइट आल्सो गोवा लाइक दैट. ओके. सेकेंड इज द स्टेट वेयर इज द लोवेस्ट अर्बनाइजेशन. अब इंडिया में हाईएस्ट हमें पता चल गया, गोवा में अर्बनाइजेशन ज्यादा. सबसे लोवेस्ट है हिमाचल प्रदेश. आप यहां पर लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन नंबर डालेंगे सेकंड, एंड इसके सामने भी यहां पर लिखेंगे हिमाचल प्रदेश. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज हाईएस्ट एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हमने चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर कुछ स्टेट्स है वो, उनका जो एचडीआई रैंक है वो ज्यादा है. हमने उसका कंपेरिजन वर्ल्ड के हिसाब से भी पढ़ा था एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज भी हमने पढ़ा था. तो इंडिया में ही बताना है क्योंकि हमें ये 5 मार्क्स का मैप है वो बुक सेकंड में से इंडिया का ही आएगा. तो हाईएस्ट एचडीआई किस स्टेट का है इंडिया में? हाईएस्ट एचडीआई इन इंडिया इज केरला. सो यू विल राइट हियर केरला एंड पुट क्वेश्चन नंबर आल्सो दैट इज 3 एंड यहां पर भी आप केरला लिखेंगे. ओके. बेटा मैंने आपको कल भी कहा था कि सबसे पहले आपको स्टेट पता होना चाहिए. स्टेट अगर आपको पता है इंडिया के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैप को फिल करने में. ओके. फोर्थ वन इज लोएस्ट एचडीआई, सबसे कम एचडीआई, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड पर कैपिटल इनकम सभी का लेवल जिसमें लो है जिस स्टेट में, दैट इज छत्तीसगढ़. हियर 4 छत्तीसगढ़, यहां पर भी आप लिखेंगे छत्तीसगढ़. ओके. हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और जरूरी नहीं है कि मैथ में आइए, 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं क्वेश्चन. सो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, देखिए हम एक बार मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं. डेंसिटी क्या होता है? हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट डेंसिटी. जब हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से कंपेरिजन करते हैं उसका, तब हमें मिलती है वहां की डेंसिटी. सो हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें इंडिया में तो यूपी में है एंड लोवेस्ट सिक्किम में है. बट जब हम इनका कंपैरिजन वहां के एरिया से, स्टेट की पॉपुलेशन का उनके एरिया से, सो वी गेट द डेंसिटी. तो हाईएस्ट डेंसिटी बिहार की पॉपुलेशन के कंपेरिजन में एरिया काफी कम है इसलिए वहां पर डेंसिटी ज्यादा है. ऐसे ही लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. दैट्स व्हाई यहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल कम है. तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. तो मैंने आपको अभी बताया दैट इज बिहार. एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश यहां पर फिल करेंगे आप एंड यहां पर आप बिहार फिल करेंगे एंड यहां पर क्वेश्चन नंबर भी पुट करेंगे. लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी. हियर यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है एंड लोएस्ट कहां पर है? सिक्किम में. हियर इज द सिक्किम. सो आप इस तरह से लिखना भी है आपने और ऐसे ही फिल करना है. ओके. मैप वर्क इज रिलेटेड टू द सिटीज विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन. उन सिटीज के बारे में बताना है जहां की पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा है. सो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें हमें या तो लोकेशन दी जाएगी और लिखा जाएगा राइट डाउन द नेम ऑफ द सिटी विच हैव मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन. सपोज यहां पर दिल्ली हमें लोकेट कर रखा है, एक पॉइंट दे रखा है एंड यहां पर फर्स्ट नंबर डाल रखा है. सो आपसे पूछा जाएगा क्या है फर्स्ट नंबर पर, कौन सी सिटी है ये, तो आपने लिखना होगा वहां पर दैट इज दिल्ली. ओके. एंड लोकेट भी करना होता है, कई बार ये दे देते हैं कि अ सिटी विच हैव
मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, राइट डाउन द नेम. सो आपने यहाँ पर नेम लिखना होता है कि कौन सी सिटी है. तो ये लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. सो फर्स्ट वन इज दिल्ली, सेकेंड वन इज ग्रेटर मुंबई. हियर इज द ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई. थर्ड वन इज चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, आपको पता है चेन्नई. नेक्स्ट वन इज कोलकाता, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता. एंड नेक्स्ट वन इज बेंगलुरु. बेंगलुरु में भी 10 मिलियन से ज्यादा हो गई पॉपुलेशन. सो कर्नाटका में बेंगलुरु. सो आपको पता होना चाहिए सिटीज कहां पर है, इनकी लोकेशन. तो आप एक बार प्रैक्टिस करें इसकी दोबारा से. दिल्ली आपको पता है यहां पर है, ग्रेटर मुंबई इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल एंड बेंगलुरु इज इन कर्नाटका. ओके, नेक्स्ट मैप इज रिलेटेड टू द लीडिंग प्रोड्यूसर. लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्रॉप्स दी गई है, उनके लीडिंग प्रोड्यूसर पूछे जाएंगे. ओके, सो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले राइस. राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन कहां पर होता है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल. आप यहां पे लिख दीजिए राइस. राइस का हम लीडिंग प्रोड्यूसर लिख रहे हैं यहां पर. सो बट आपने लिखना होगा वहां पे पेपर में वेस्ट बंगाल, एंड यहां पर भी वेस्ट बंगाल. ओके, सेकेंड वन इज व्हीट. व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, यूपी में. यूपी व्हीट. ओके, थर्ड वन इज ज्वार. ज्वार का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, ज्वार एक ऐसी क्रॉप है जिसको ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं होती है. तो ज्वार का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, ज्वार. ओके, आपने नंबर भी डालने हैं यहां पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. कॉटन, सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है गुजरात में, फोर्थ नंबर गुजरात. जूट का प्रोडक्शन अगेन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, नहीं होता है वेस्ट बंगाल में. हमने एक और पढ़ा था राइस, जूट एंड राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, वेस्ट बंगाल में. देन शुगर केन, शुगर केन अगेन यूपी. तो यूपी में हमने एक और पढ़ा था, दैट इज व्हीट. ये लर्न करने पड़ेंगे बेटा हमें, तभी हम फिल कर पाएंगे मैप में. नेक्स्ट इज टी. टी का, टी के गार्डन कहां पर है, टी प्लांटेशन वर्क कहां पर होता है, दैट इज इन आसाम. हियर इज द आसाम, यहां पर टी प्लांटेशन होता है. एंड कॉफी, कॉफी का प्रोडक्शन होता है कर्नाटका, कॉफी. ओके, यहां पर वेस्टर्न कोस्टल एरिया है एंड यहां पर वेस्टर्न घाट है, जहां पर जो हिल्स हैं कार्डेमम हिल्स या नीलगिरी हिल्स है, वहां पर प्रोडक्शन होता है कॉफी का. सो राइस का सब प्रोडक्शन लीडिंग प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल, व्हीट का लीडिंग प्रोड्यूसर यूपी, ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात, एंड जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर अगेन वेस्ट बंगाल. हमने पढ़ा था राइस का भी है, जूट का भी लीडिंग प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है. एंड शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर यूपी है, यूपी व्हीट का भी है लीडिंग प्रोड्यूसर, टी के लीडिंग प्रोड्यूसर असम, एंड कॉफी के कर्नाटका. ओके, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है, इनके नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे. स्टेट के नाम आपने पहले ही लर्न कर रखे हैं कि मैप में कहां पर कौन सा स्टेट है, तो आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैप फोर में हम पढ़ेंगे आयरन और माइंस एंड कॉपर माइंस. बेटा जब माइंस आती है तो हम मैप पे हमेशा इंडेक्स बनाते हैं. सो सपोज हमसे कॉपर एंड कॉपर के बारे में पूछा गया है, कोल फील्ड के बारे में पूछा गया है, ऑयल फील्ड के बारे में पूछा गया, तो हम यहाँ पर सिंबल भी बनाते हैं और जब हम उनको लिखते हैं तो वहां पर भी सिंबल बनाते हैं कि ये है, ये कॉपर का सिंबल है, ये कॉपर यहाँ पर मिल रहा है या यहाँ पर आयरन और मिल रहा है. तो इस तरह से इंडेक्स भी हम बनाएंगे. तो दोनों ही चीजें अगर आप एक मैप में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए कि आयरन और को आप कैसे सिंबलाइज करेंगे, आप स्टार बना के सिंबलाइज करेंगे, कॉपर को आप स्क्वायर बना के सिंबलाइज करेंगे. तो जहां पर ये माइंस के नेम हम लिखेंगे वहां पर उनके साथ में सिंबल हम बना देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉपर माइन है या आयरन और माइन है. ओके, सो मयूरभंज, मयूरभंज आयरन और माइंस कहां पर है, दैट इज इन ओडिशा. मयूरभंज ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर के पास में है, दैट इज मयूरभंज. तो हमने एक स्टार लिया था, हम यहां पर स्टार बनाएंगे एंड मैं एम लिख रही हूं लेकिन आप पूरा लिखेंगे मयूरभंज. ओके,
एंड यहां पर आप लिख देंगे कहां पर है, ओडिशा में। कंप्लीट, ओके। सेकेंड इज बेलीडीला, बेलीडीला आयरन और माइंस कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। एंड वेयर इज द छत्तीसगढ़, हेयर इज द छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी साउदर्न पार्ट में है, यहां पर क्या है, बेलीडीला। एंड ये भी क्या है, आयरन और माइन, तो हम यहां पर स्टार बना देते हैं, ओके। थर्ड इज रत्नागिरी, रत्नागिरी आयरन और माइंस है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भी कोस्टल एरिया के पास में, यहां पर है रत्नागिरी आयरन और माइन, ओके। फोर्थ वन इज बेलारी, बेलारी आयरन और माइन कर्नाटक, यहां पर है कर्नाटक में बेलारी, ओके। तो लोकेशन आपने देखनी है कि उस स्टेट के साउदर्न पार्ट में है या मिड में है या ईस्टर्न पार्ट में है या नॉर्दर्न पार्ट में है। ओडिशा के नॉर्दर्न पार्ट में है मयूरभंज, रत्नागिरी सबसे वेस्टर्न पार्ट में है, मिड वेस्टर्न में, एंड बेलारी है वो भी मिड ईस्टर्न में है, इधर ईस्टर्न के साइड, मिड ईस्टर्न में, ओके। एंड जो बेलीडीला है वो छत्तीसगढ़ के साउदर्न पार्ट, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉपर माइंस, कॉपर माइंस के लिए हमें स्क्वायर फुट करना है, ओके। तो सबसे पहले हजारीबाग एंड सिंहभूम दोनों ही झारखंड में है, इट इज ऑल्सो इन झारखंड। तो हजारीबाग ऊपर है जबकि सिंहभूम है वो हजारीबाग के नीचे है, तो हजारीबाग सिंहभूम, और आप यहां पर स्क्वायर और बना दीजिए साथ में, हजारीबाग सिंहभूम एंड आपने स्क्वायर बना दिया, वो किसके लिए था, कॉपर को डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज खेतरी, खेतरी इज इन हेयर, नॉर्दर्न पार्ट में है खेतरी राजस्थान में, सो वी पुट द स्क्वायर हेयर बिकॉज द साइन ऑफ स्क्वायर इज फॉर कॉपर माइंस, सो हियर आर द कॉपर माइंस एंड आयरन और माइंस ऑफ इंडिया। यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है उनको कवर करा है, माइंस और भी है लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सैंपल पेपर में या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम यहां पर कर रहे हैं सबसे पहले, ओके। फिफ्थ में हम पढ़ेंगे बॉक्साइट माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। सो बॉक्साइट माइंस में सबसे पहले है कटनी, कटनी इज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप यहां पर फिल करेंगे कटनी को, यहां पर कटनी, आप साइन कोई कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर आप ट्रायंगल बना दीजिए, यहां पर आप स्क्वायर, क्योंकि जब हमें दो डिफरेंट थिंग है वो एक ही मैप में फिल करनी होती है तो हम साइंस का यूज करते हैं। सो बॉक्साइट माइंस कटनी यहां पर है तो हमने यहां पर कटनी के लिए ट्रायंगल बना दिया। सेकेंड बिलासपुर, बिलासपुर इज इन छत्तीसगढ़, बिलासपुर इज इन छत्तीसगढ़ के मिड में है यहां पर, दैट इज बिलासपुर एंड वी पुट द ट्रायंगल हेयर, ओके छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कोरापुट, कोरापुट कहां पर है, ये ओडिशा के बिल्कुल साउदर्न पार्ट में, यहां पर है कोरापुट, ट्रायंगल बना देंगे कोरापुट, ओके। एंड नंबरिंग इज द मस्ट, आपको पता गया है, बताया गया है कि आपको बताया गया है कि जो नंबरिंग है दैट इज द मस्ट, तो ये कहां पर है, ओडिशा में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज में मथुरा, मथुरा इट इज इन यूपी, बिल्कुल यहां पर मथुरा, एंड हम यहां पर साइन बना देंगे इसका स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट इज जामनगर, जामनगर ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, ये है गुजरात में, यहां पर जामनगर एंड वी पुट द स्क्वायर हियर, सो मथुरा इज यूपी, जामनगर गुजरात, एंड बरौनी, बरौनी इज इन बिहार, सो बिहार में है बरौनी, वी पुट द बी देयर, बट एग्जाम में आपको कंप्लीट लिखना है, ओके। सो बॉक्साइट माइन कहां पर थी, कटनी, एक बार फिर देख लेते तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। कटनी कहां पर थी, मध्य प्रदेश में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मिड पार्ट में, कोरापुट ओडिशा के साउदर्न पार्ट में, ओके। मथुरा यूपी में है बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में, जामनगर गुजरात के बिल्कुल इधर कोस्टल एरिया के पास में, एंड बरौनी इज इन बिहार, बिहार में आप मिड में पॉइंट लगाएंगे बरौनी के लिए, ये ऑयल रिफाइनरीज हैं एंड ये बॉक्साइट माइंस है।
अवर नेक्स्ट मैप इज रिलेटेड टू द कॉटन टेक्सटाइल्स. बेटा कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत सारे इंडिया में, लेकिन वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल हियर जो कि पूछी जाती है एग्जाम में. सो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज सूरत. सूरत आप सभी को पता है गुजरात में है, लेकिन है कहां पर? हियर इज द सूरत. यहां पर आप सूरत पुट करेंगे, गुजरात में है बट बिल्कुल महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर के पास में. नेक्स्ट इज वाराणसी. वाराणसी इज इन यूपी. आप यहां पर लिखेंगे भी गुजरात, उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश में वाराणसी इज द हियर, यहां पर है वाराणसी. ओके, ईस्टर्न पार्ट में वाराणसी इज इन यूपी. नेक्स्ट इज मुर्शिदाबाद. इट इज इन वेस्ट बंगाल. एंड वेस्ट बंगाल के भी नॉर्दर्न पार्ट में है, यहां पर है मुर्शिदाबाद. वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में है मुर्शिदाबाद, याद रखेगा. देन सोलापुर. सोलापुर इज इन महाराष्ट्र. एंड महाराष्ट्र के भी यहां पर है सोलापुर. देन कोयम्बटूर. कोयम्बटूर वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है तमिलनाडु के, यहां पर है कोयम्बटूर. ओके, सो सूरत इज इन गुजरात, वाराणसी यूपी, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, सोलापुर महाराष्ट्र, एंड कोयम्बटूर इज इन तमिलनाडु. इन मैप के बेटा 3 से 4 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको लोकेशन लर्न होगी, लेकिन आपके लिए इसमें बेनिफिट ये कि एक बार अगर आपको लोकेशन लर्न होगी तो फिर आप नहीं भूलेंगे, फिर एग्जाम में आप आसानी से कर पाएंगे. नेक्स्ट मैप इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स. जहां पर बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज है, हाई डाटा कम्युनिकेशन वर्क होता है. सो दिस इज इंक्लूड इन द क्वाटनरी एंड क्वेनरी सेक्टर. सो फर्स्ट वन इज गांधीनगर. गांधीनगर आपको पता है कहां पर है? गुजरात में. सो हेयर इज द गांधीनगर इज इन गुजरात. फर्स्ट नंबर आप यहां पर पुट करेंगे. सेकेंड वन इज श्रीनगर. श्रीनगर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. हेयर हेयर इज द श्रीनगर. सेकेंड नंबर आप डालेंगे यहां पर. देन थर्ड वन इज मोहाली. मोहाली कहां पर है? चंडीगढ़ के पास में है मोहाली. सो पंजाब में पड़ता है मोहाली, पंजाब. हेयर इज द मोहाली, यहां पर है मोहाली, नंबर 3. देन फोर्थ नोएडा. दिल्ली एंड यूपी के बॉर्डर पर है नोएडा, यहां पर नोएडा. तो किस में आता है? उत्तर प्रदेश में. फोर्थ नंबर. फिफ्थ नंबर इज इंदौर. इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में. सो फिफ्थ नंबर हम डालेंगे इंदौर का. सॉरी, इंदौर इज हियर. नेक्स्ट वन इज हैदराबाद. हैदराबाद कहां पर है? पहले आंध्र प्रदेश में था, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, तो हैदराबाद तेलंगाना में. हियर हैदराबाद नंबर 6. एंड द लास्ट वन इज बेंगलुरु. बेंगलुरु हमने पढ़ा था कहां पर है? कर्नाटका में. कर्नाटका में यहां पर है बेंगलुरु, नंबर 7. बेटा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और भी है, दिल्ली में है, पुणे में है, मुंबई में है, बट उनकी लोकेशन हमें पता है. बट यहां पर हमने जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डिस्कस करे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गांधीनगर गुजरात, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, मोहाली पंजाब में है, बट कहां पर है ये लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी. हेयर बिल्कुल बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा का जो चंडीगढ़ के पास में बॉर्डर है वहां पर. देन इंदौर. इंदौर इज इन मध्य प्रदेश. हैदराबाद इज इन तेलंगाना. एंड बेंगलुरु इज इन कर्नाटक. ओके, नेक्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवेज. गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवेज वो हाईवेज, सुपर हाईवेज हैं जो हमारी 4 मेगा सिटीज हैं, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, उनको आपस में जो जोड़ रहा है सुपर हाईवे, दैट इज द क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे. सो इट कनेक्ट्स द दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. सो ऑल ऑफ यू नो दैट वेयर इज द दिल्ली. ये दिल्ली है. हेयर इज द मुंबई. हेयर इज द कोलकाता. एंड हेयर इज द चेन्नई.
सो आपस में जो इनको इसने इसको क्वाड्रिलेटर बोला गया, क्वाड्रिलेटर की शेप हो गई है, आपस में चारों सिटीज हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, तो आपसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवेज लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो उसमें आपने ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट इज नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउदर्न में सबसे नॉर्थ में श्रीनगर एंड सबसे साउथ में कन्याकुमारी, तो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर में श्रीनगर टू कन्याकुमारी जुड़े हुए आपस में कनेक्टेड है ये। सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, अब ईस्ट टू वेस्ट असम में है सिलचर एंड गुजरात में है पोरबंदर, दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द सो नॉर्थ साउथ में आप लिखेंगे श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आप लिखेंगे सिलचर टू पोरबंदर। ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर द मैप वर्क फॉर टुडे, यू हैव टू फिल दिस लोकेशन ऑन द मैप एंड पेस्ट दैट मैप इन योर फेयर नोटबुक, जिसकी वजह से हम अगर बार बार रिविजन करेंगे तो हमें लोकेशन लर्न हो जाएंगे। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल फॉर टूडेज मैप एक्टिविटी, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैम। बेटा मैप हमारे 5-10 मार्क्स का मैप आ रहा है, तो इंडिया का जो मैप है वो 5 मार्क्स का आएगा। सो अगर हमने इंडिया के ये मैप जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई है, अगर इन मैप्स की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है एग्जाम में वो आपको पता ही है। सो डोंट टेक इट इजीली, बी पैशनेट, बी डेडिकेटेड। आप डेडिकेट कोई काम कर रहे हैं उसके फुली डेडिकेटेड हो जाइए कि हाँ मुझे मन लगाकर किसी से काम करना कहते हैं, दैट इज द डेडिकेशन। सो अगर आपको यही सोच के आपके माइंड में ये सेट कर लिया आपने कि मुझे 5 मार्क्स लेने हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड यू विल गेट 5 मार्क्स ऑल्सो। लेकिन अगर आप इसको इजीली ले रहे हैं कि बहुत हेडेक है कैसे फिल करें, छोड़ो इसको रहने देते हैं, तो बेटा कहां से फिर 5 मार्क्स आएंगे जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो प्रैक्टिस इज द मस्ट इन मैप, मैप में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेंसिल से फिल करिएगा ताकि आप उसको इरेज करके दोबारा प्रैक्टिस कर सके। स्टूडेंट्स डू योर स्टडीज रेगुलरली, फॉलो योर टाइम टेबल एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।